लास्ट क्लास के अंदर आज हम क्या कर रहे हैं, फिनोल की थर्ड क्लास शुरू कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था कि जो आपका फिनोल है उसको बनाने की विधियां स्टार्ट की थी। ठीक है, हमने क्या स्टार्ट किया था, फिनोल बनाने की विधियां, और उसके अंदर एक विधि पढ़ी भी थी, कौन सी, डाउ प्रक्रम। ठीक है, उसमें से एक पढ़ा कौन सा, डाउ प्रक्रम या डाउ प्रोसेस। ये जो डाउ प्रोसेस होता है इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले बेंजीन से क्या बनाते हैं, क्लोरोबेंजीन बनाते हैं। तो ये जो क्लोरोबेंजीन है ये कैसे बनता है, ये बेंजीन की क्लोरीन से रिएक्शन करवाते हैं आयरन क्लोराइड की उपस्थिति में। ठीक है, उससे क्लोरोबेंजीन बनता है और उसको क्षारीय माध्यम में रखने पर हमें क्या मिलता है, फिनोल मिलता है। उसमें पहले सोडियम फिनोक्साइड बनता है, फिर फिनोल मिलता है। ठीक है, ये हमारा क्या था, डाउ प्रोसेस था। अब उसी की तरह एक दूसरा होता है राशिम प्रक्रम। ठीक है, ये था हमारा डाउ प्रोसेस और दूसरा है हमारा राशिम प्रक्रम। ठीक है, इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, बेंजीन से ही क्लोरोबेंजीन बनाएंगे या फिनोल बनाएंगे। ठीक है, बेंजीन से पहले क्लोरोबेंजीन बनाएंगे फिर फिनोल बनाएंगे, जैसे हमने डाउ प्रक्रम में किया था वैसा ही सेम हम किसमें करेंगे, डाउ राशिंग में करेंगे। लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस सिर्फ रिएजेंट का है। ठीक है, जो अभिकर्मक हम काम में ले रहे हैं सिर्फ डिफरेंस उनका है। जैसे डाउ में आपने क्या किया, सबसे पहले बेंजीन की क्लोरीन से रिएक्शन करवाई आयरन क्लोराइड की उपस्थिति में, लेकिन ये जो राशिंग प्रोसेस है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर पहले जब हम क्लोरोबेंजीन बनाते हैं तो उसके लिए हम HCl गैस प्रवाहित करते हैं इस बेंजीन रिंग के ऊपर। ठीक है, क्या करते हैं, HCl गैस प्रवाहित करते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड की गैस प्रवाहित करते हैं, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ठीक है, और हम यहाँ पर कैटलिस्ट काम में लेते हैं कॉपर और आयरन। ठीक है, इससे हमें क्या मिलता है, हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर क्लोरोबेंजीन मिलता है। ठीक है, हाई टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर हमें क्या मिलता है, क्लोरोबेंजीन मिलता है। और हम यहाँ पर क्या लेते हैं, दो अणु लेते हैं बेंजीन के और दो क्लोरोबेंजीन बनते हैं। पहला स्टेप हमारा होता है कि हम बेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, HCl के साथ, तो हमारे पास दो क्या मिलती है, क्लोरोबेंजीन मिलती है। किसकी उपस्थिति में मिलती है, कॉपर और आयरन की। और जब हमने डाउ प्रोसेस किया था तो इसमें हमने क्या लिया था, आयरन क्लोराइड लिया था, FeCl3 लिया था। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, हम कॉपर और आयरन की उपस्थिति में बेंजीन की रिएक्शन करवा रहे हैं HCl के साथ, उससे मिल रहा है हमें क्या, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब इसमें दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है, फिनोल बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे। ये जो क्लोरोबेंजीन बना इसका हम क्या कर देंगे, हाइड्रोलिसिस कर देंगे। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है कि हम ये जो क्लोरोबेंजीन है इसके क्लोरीन को एज ए क्लोराइड यानी एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकाल देंगे और उसके ऊपर एक न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करेगा जो क्या होगा, OH- होगा। तो आपके पास यहाँ पर मिलेगा क्या, फिनोल मिल जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या मिल जाएगा, फिनोल मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है ये होती है सिलिकन की उपस्थिति में और हाई टेम्परेचर पर, सिलिकन की उपस्थिति में और लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है, हाई टेम्परेचर पर होती है। ये हमारा क्या है, राशिंग प्रोसेस है। सेम है डाउ और राशिंग, दोनों में ही पहले बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाते हैं, क्लोरोबेंजीन से आगे फिनोल बनाते हैं। लेकिन डाउ में क्या किया हमने, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए हमने क्लोरीन गैस का यूज किया और उत्प्रेरक के तौर पर आयरन क्लोराइड यूज किया, या इसे क्या कहेंगे हम, फेरिक क्लोराइड यूज किया। ठीक है, तो यहाँ पर राइसिंग प्रोसेस में इसमें हमने क्या किया, HCl गैस यूज की, और किसकी उपस्थिति में, कॉपर आयरन की उपस्थिति में। ठीक है, सेकेंड स्टेप जो था डाउ प्रक्रम के अंदर उसमें हमने क्या किया था, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करवाई थी किसी भी बेस के साथ, जैसे हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई, तो हमारे पास क्या मिला, सोडियम फिनोक्साइड मिला। और फिर उससे क्या हुआ, हमारा H+ रिप्लेस करता है सोडियम को और क्या मिलता है, फिनोल मिलता है। यहाँ पर हमने क्या किया है, क्लोरोबेंजीन का हाइड्रोलिसिस करवाया किसकी उपस्थिति में, सिलिकन की उपस्थिति में हाई टेम्परेचर पर, तो हमारे पास हमारा ये क्या मिल गया, फिनोल मिल गया। ठीक है,
बस आपको यहाँ पर मेन रिएजेंट याद रखने हैं, राशिन के रिएजेंट अलग है, डाउ के रिएजेंट अलग है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है फिनोल बनाने का, वो होता है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो किससे है, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। अब ये जो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट है ये किससे मिलेगा, जब आप बेंजीन रिंग की रिएक्शन करवाओगे H2SO4 के साथ, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उसके दो पार्ट होते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, एक तरह का अम्ल है जिसमें से क्या होता है, एक H+ निकलता है और एक क्या बचता है आपका, HSO4- बचता है। ये क्या है आपका, सल्फ्यूरिक अम्ल। जब इसकी रिएक्शन करवाओगे आप किसके साथ, जब इसकी रिएक्शन आप बेंजीन के साथ करवाते हो तो क्या होता है, ये जो आपका HSO4- है ये जुड़ जाएगा बेंजीन रिंग के साथ, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा बेंजीन रिंग पर, और इसे हम क्या कहते हैं, सोडियम, या इसे कहते हैं हम बेंजीन सल्फोनेट, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, बेंजीन सल्फोनेट। तो हमारा जो प्रोसेस है उसका नाम क्या है, थर्ड जो प्रोसेस है उसका नाम है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से फिनोल, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से, ठीक है। अब ये सल्फोनेट का मतलब एट हम किसके पीछे लगाते हैं, जो भी हमारा नेगेटिव आयन वाला कोई भी कंपाउंड हो, यानी ऋणायन अगर होता है तो उसके पीछे हम क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले तो ये बनाना है बेंजीन से सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बनाएंगे हम पहले, फिर हम क्या करेंगे इससे आगे फिनोल बनाएंगे, ठीक है। तो अगर हमें ये बनाना है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेते हैं क्या हमारा बेंजीन रिंग, ठीक है। इसकी रिएक्शन किससे करवाते हैं, H2SO4 के साथ। H2SO4 क्या है, अम्ल है, एसिड है, आसानी से क्या देता है, H+ देता है। तो ये क्या करेगा, ये इस फॉर्म में मिलता है H+ HSO4-, तो ये क्या करेगा, इस बेंजीन रिंग के एक H+ को रिप्लेस कर देगा, ठीक है, और इसके ऊपर आकर ये जुड़ जाएगा, क्या HSO4- जुड़ेगा, ठीक है। ये HSO4- जुड़ा तो ये हमारा क्या है, ये बेंजीन सल्फोनेट है, ठीक है, बेंजीन सल्फोनेट है। लेकिन अगर हम इसकी रिएक्शन किसी बेस के साथ करवा दें, यानी मान लो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा दी, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को, H2SO4 में दो अम्लीय हाइड्रोजन होते हैं, H2SO4 से दो हाइड्रोजन निकलते हैं, यहां पर क्या है, ये SO4- और इसके साथ क्या है, एक H है। ये हाइड्रोजन जो है, ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये भी क्या होता है, अम्लीय होता है सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, बेस की उपस्थिति में ये हाइड्रोजन निकलता है और इसकी जगह क्या आता है, ये सोडियम धातु आ जाती है, और हमारे पास ये क्या मिलेगा, हमारा SO4- Na+, यानी ये क्या है, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। ये क्या बन गया, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। ठीक है, अब इससे बनाना है हमें क्या, फिनोल। कैसे बनाएंगे, कि हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल, इसको बेस की रिएक्शन करवानी पड़ेगी, ठीक है। बेस से जब भी हम इस सोडियम बेंजीन सल्फोनेट की रिएक्शन करवाएंगे तो वो क्या करेगा, इस सल्फेट आयन को भी बाहर निकाल देगा, ठीक है। सल्फेट आयन को बाहर किसके रूप में निकालेगा, SO3 के रूप में निकालेगा, ठीक है। क्या करेंगे हम, किसी भी बेस की उपस्थिति में, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड ले ले, ज्यादातर हम बेस जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड ही काम में लेते हैं, या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड काम में लेते हैं, ठीक है। तो इसकी अगर रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होगा, ये इसके सल्फेट अणु जो है ये वाला, इसमें से SO3 को बाहर निकाल देता है और हमें क्या मिलता है, ये O- Na+, यानी ये क्या बन गया, सोडियम फिनोक्साइड बन गया, ठीक है। क्या बन जाता है, सोडियम फिनोक्साइड बन जाता है, और इससे बाहर क्या निकलेगा, Na2SO3, ठीक है। ये हम अगर दो NaOH के अणु लेते हैं तो हमारे पास बाहर क्या निकलता है, Na2SO3 और एक जल का अणु बाहर निकलता है, ठीक है। क्या होता है, ये ONa जो है
ये Na जो है वो तो यहाँ आ जाता है, ठीक है, यहाँ का बचा ये OH, ये OSO3 के साथ जुड़ के यहाँ पे आ जाता है Na2SO3 की फॉर्म में, और एक जल का अणु भी बाहर निकलता है। और ये जो हमारा बना, ये क्या बना, सोडियम फिनोक्साइड बन गया, ठीक है, ये क्या बना, सोडियम फिनोक्साइड बन गया। अभी सोडियम फिनोक्साइड का आगे आप क्या करवा दो, किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करवा दो, तो क्या होगा, ये सोडियम जो है वो रिप्लेस हो जाता है और क्या बन जाता है हमारे पास, फिनोल बन जाता है, ठीक है। ये क्या करता है, एसिडिक अगर कोई भी मीडियम हम लेते हैं तो ये क्या होगा, सोडियम निकल जाएगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा, एच प्लस आ जाता है, और ये हमारा क्या बन गया, फिनोल बन गया। ये हमारी क्या है, थर्ड रिएक्शन है जिससे हम क्या बनाते हैं, फिनोल बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, सबसे पहले बेंजीन से ये आपका सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बनाना है, वो कैसे बनाएंगे, बेंजीन रिंग की रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, H2SO4 के साथ। तो H2SO4 में दो अम्लीय हाइड्रोजन होते हैं, हम पहले क्या करते हैं, इसमें से एक अम्लीय हाइड्रोजन को बाहर निकालते हैं, बाकी क्या बचा HSO4- इसकी रिएक्शन करवाते हैं बेंजीन रिंग के साथ, तो ये इसके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या बना देता है, बेंजीन सल्फोनेट बना देता है, ठीक है। अब इसकी किसी शार्ट से अगर रिएक्शन करवाते हैं तो ये इस बेंजीन सल्फोनेट के एक हाइड्रोजन को फिर से रिप्लेस करता है, उसकी जगह क्या आ जाती है, सोडियम धातु आ जाती है, तो ये हमारा क्या बना, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बन गया। अब इससे हमें क्या बनाना है आगे, फिनोल, तो वो कैसे बनाएंगे, क्षार लेंगे, क्षार के दो अणु लेंगे, तो क्या होगा, एक Na2SO3 का अणु बाहर निकल जाएगा, एक जल का अणु निकलेगा, और आपके पास क्या बनेगा, ये सोडियम फिनोक्साइड बनेगा, ठीक है। इसका नाम क्या है, सोडियम फिनोक्साइड, ठीक है, ये क्या बन गया, सोडियम फिनोक्साइड। अब इसको एसिडिक मीडियम में लेते हैं तो क्या होगा, ये सोडियम धातु को रिप्लेस कर देगा H प्लस, और हमारे पास क्या बन जाएगा, फिनोल बन जाएगा, ठीक है। ये थर्ड मेथड है हमारा, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से फिनोल बनाना, ठीक है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम एनिलीन से भी फिनोल बना सकते हैं, नेक्स्ट मेथड है हमारा एनिलीन से फिनोल का बनाना, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है हमारा एनिलीन से फिनोल, ठीक है। एनिलीन क्या होता है, एनिलीन होता है कि अगर आपकी बेंजीन रिंग के ऊपर एक NH2 समूह जुड़ा हुआ है, यानी एमीन समूह जुड़ा हुआ है किसी भी बेंजीन रिंग के ऊपर, तो ये हमारा क्या होता है, एनिलीन होता है। अब इस एनिलीन से हम क्या बनाएंगे, डाई एजो कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है, क्या बनाएंगे, डाई एजोनियम कंपाउंड बनाएंगे या डाई एजो कंपाउंड, ठीक है, और उससे हम क्या बनाएंगे, फिनोल। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो आपका एनिलीन है इससे डाई एजो कंपाउंड बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, ये रिएक्शन आपने पहले पढ़ चुके हो कि आपको इस एनिलीन की रिएक्शन करवानी है किसके साथ, NaNO2 और HCl यानी HNO2 के साथ, नाइट्रस अम्ल के साथ, ठीक है। ये रिएक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं, सिंपल जो अल्कोहल बनाने की विधियां थी उसके अंदर पढ़ा था कि जो एमीन है, एमीन से हम अल्कोहल कैसे बनाते हैं, अगर हम एमीन की रिएक्शन करवा दें नाइट्रस अम्ल यानी HNO2 के साथ तो हमें क्या मिलता है, अल्कोहल मिलता है, ठीक है। यहाँ पर रिएक्शन किससे करवानी है, HNO2 से, या फिर क्या कह सकते हैं हम, नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करवानी थी। तो जब हम नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या मिलता है हमें, यहाँ पर डाई एजो कंपाउंड मिलता है, ये N2- प्लस Cl- मिलता है, ठीक है। ये क्या है, डाई एजोनियम क्लोराइड है, ये क्या है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ठीक है। क्या है, एजो किसको बोलते हैं, N2 को, N2 को क्या बोलते हैं हम, एजो, ठीक है। तो ये एजोनियम है, मतलब एजो के ऊपर यानी N2 के ऊपर क्या है, धन आवेश है, इसलिए हम उसको ओनियम से लिखते हैं। तो एजोनियम और क्लोराइड यानी Cl- को हम किससे लिखते हैं, क्लोराइड से लिखते हैं। एजो किसको बोला जाता है, नाइट्रोजन को, दो नाइट्रोजन है तो डाई एजो, ठीक है, उसमें पॉजिटिव चार्ज है इसलिए एजोनियम, और क्लोराइड किसके लिए आया, Cl- के लिए। ये बना हमारा कब, जब हमने एनिलीन की रिएक्शन करवाई किसके साथ, नाइट्रस अम्ल के साथ,
अब इसकी जो मैकेनिज्म है हमने सिंपल अल्कोहल में कर ली थी उसी की तरह है सेम, तो आप उसमें देखना पीछे जाके, ठीक है। तो ये हमारा बन गया क्या, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब हमें इससे क्या करवाना है, जल अपघटन करवाना है और हमारे पास क्या बन जाएगा, फिनोल बन जाएगा, ठीक है। क्या करवाना है, जल अपघटन, इससे क्या बन जाएगा, फिनोल बन जाएगा। कैसे, कि ये जो जल है वो क्या होता है, एच प्लस ओ एच माइनस, ठीक है। तो इसमें से क्या होता है, ये जो सी एल माइनस है ये तो एच प्लस के साथ एच सी एल के रूप में निकल जाएगा, एन टू गैस है बाहर निकल जाएगी, और ये जो ओ एच है ये आपका जुड़ जाएगा इस बेंजीन रिंग के साथ और क्या बन जाएगा, फिनोल बन जाएगा। सिंपल जल अपघटन करवाना है, एच सी एल निकल जाएगा, नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी और आपका क्या बन जाएगा, फिनोल बन जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या है, फोर्थ प्रोसेस है जिसमें हम एनिलीन से क्या बना रहे हैं, फिनोल बना रहे हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट मेथड जो है वो होता है सिंपल बेंजीन से भी बना सकते हैं हम, ठीक है। बेंजीन ले लो, बेंजीन की रिएक्शन करवा दो पर एसिड के साथ या परऑक्साइड के साथ, ठीक है। तो परऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराने पर भी वो क्या बना देता है, जैसे हमने बेंजीन रिंग ली, इसकी रिएक्शन की हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ, तो ये क्या होता है, ये इसका ऑक्सीडेशन कर देता है और इसके ऊपर क्या जोड़ देता है, OH जोड़ देता है, एक OH माइनस बाहर निकल जाता है, ठीक है। और ये OH माइनस जो है ये इस हाइड्रोजन के साथ जुड़कर H2O के रूप में बाहर निकलता है। ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर क्या होता है, एक OH माइनस आता है, किसकी जगह आता है, इस कार्बन के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आता है, जो H प्लस निकला वो बाकी के OH माइनस के साथ जुड़ के H2O के रूप में बाहर निकल जाता है और आपका क्या बन जाता है, फिनोल बन जाता है। तो ये फिनोल बनाने की नेक्स्ट विधि है कि आप क्या कर सकते हो, बेंजीन की का ऑक्सीडेशन कर सकते हो या बेंजीन की हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते हो तो भी आपके पास क्या बनता है, फिनोल बनता है, ठीक है। इसके अलावा आप किससे बना सकते हो, क्यूमीन से बना सकते हो, ठीक है। कैसे, देखो ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, आपकी ये दो जो डाउ प्रोसेस थी इम्पोर्टेंट है, राशिंग प्रक्रम इम्पोर्टेंट है, एनिलीन आपका इम्पोर्टेंट है कि एनिलीन से कैसे बनाते हैं, बेंजीन सल्फोनेट वाला इम्पोर्टेंट था, ठीक है। ये सिंपल कॉमन रिएक्शंस है कि आप सिंपल क्या कर दो, बेंजीन का ऑक्सीडेशन कर दो तो फिनोल बन जाएगा, ठीक है। या फिर आप क्या करो, फिनोलिक अम्ल कोई भी है उसको हीट कर दो, ठीक है, या उसकी सोडा लाइम से रिएक्शन करवा दो तो उसमें से क्या बन जाएगा, फिनोल बन जाएगा। जैसे फिनोलिक अम्ल कौन सा होता है, जिसके अंदर क्या होता है, फिनोल के ऊपर कोई भी एसिडिक ग्रुप या अम्लीय समूह जुड़ा हुआ हो, जैसे ये आपका क्या है, फिनोल है, ठीक है। इसके ऊपर अगर मान लो कोई सी डब्लो माइनस एन ए प्लस, ये क्या है, इसका अम्लीय कोई भी सोल्ट है फिनोल का, ठीक है। तो इससे अगर हमें क्या करना होता है, फिनोल बनाना है, तो हम क्या करेंगे, या तो इसको हीट कर देंगे, इसको जब गर्म करेंगे तो इसमें से एक CO2 गैस बाहर निकल जाएगी, ठीक है, या फिर हम क्या करेंगे, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसकी किसी भी जैसे आप किससे रिएक्शन करवा सकते हो, सोडा लाइन से रिएक्शन करवा सकते हो, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवा सकते हो, ठीक है। इनसे जब रिएक्शन करवाओगे तो क्या होगा, ये CO2 का अणु बाहर निकल जाता है, ठीक है, ये बाहर निकलेगा, एक NaOH बाहर निकलेगा, ठीक है, और आपके पास क्या बन जाएगा, फिनोल बन जाएगा, ठीक है। ये भी एक प्रोसेस है क्या बनाने की, फिनोल बनाने की, ठीक है। ये हो गया, अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसमें वो लेते हैं हम, क्यूमीन से कैसे बनाने हैं हमारे, फिनोल कैसे बनेगा क्यूमीन से, ठीक है। अब क्यूमीन की स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए इसके लिए कि क्या होती है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हम क्यूमीन ही बना लेते हैं कि क्यूमीन कैसे बनेगा बेंजीन से, ठीक है। तो बेंजीन जो है उसकी रिएक्शन करवाते हैं हम किसके साथ, प्रोपीन के साथ, ठीक है। बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं हम, प्रोपीन के साथ। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो एल्कीन ली है हमने, ये जो एल्कीन है ये अपने डबल बॉन्ड के साथ जुड़ती है इस बेंजीन रिंग के साथ और इससे एक हाइड्रोजन को ये क्या करती है, रिप्लेस करती है, ठीक है। तो इसका जो ये बीच वाला कार्बन है ये क्या होगा, ये इस कार्बन पे आके जुड़ेगा, ठीक है,
ये जो है ये वाला कार्बन ये क्या होगा इससे आके जुड़ेगा, तो आपका जो स्ट्रक्चर बनता है वो क्या बनता है, तो ये आपका हुआ CH3, इसके ऊपर एक हाइड्रोजन, ठीक है। ये बॉन्ड जो है इसमें से हमने क्या किया, डबल बॉन्ड को तोड़ के इसके इलेक्ट्रॉन CH2 के ऊपर लेके गए, तो CH2 पे क्या आया, नेगेटिव चार्ज आया इसके ऊपर, ठीक है। तो इस नेगेटिव चार्ज पे हम क्या करेंगे, जो बेंजीन वाला H+ निकालेंगे ये लाकर जोड़ देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, ठीक है। और ये जो कार्बोकैटायन था एक तरह से जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया ये बॉन्ड तोड़ने के बाद, ये कहाँ पे आ जाएगा, ये इस बेंजीन रिंग के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये जो बनता है स्ट्रक्चर ये हमारी क्या है, क्यूमीन है, ठीक है, ये क्या है, क्यूमीन। अब क्या करेंगे, क्यूमीन से फिनोल कैसे बनाना है, क्यूमीन से फिनोल बनाते हैं कि हम क्यूमीन का पहले करते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन करते हैं तो इससे क्या बनता है, पर एसिड बनता है, ठीक है। क्या होता है, इसका करते हैं हम ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, तो इससे बनता है पहले पर एसिड। पर एसिड कैसे बनता है कि ये जो कार्बन है इसके साथ दो ऑक्सीजन आकर जुड़ जाते हैं, तो ये हमारा क्या बना, क्यूमीन पर ऑक्साइड बन गया, ठीक है, या फिर इसे क्या कह सकते हैं, क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड, ठीक है, ये क्या बन गया, क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड। ठीक है, ये क्या बन गया, क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड बन गया। अब हमें क्या करवाना है, इसके अंदर रीअरेंजमेंट करवाना है, और इससे क्या होगा, एक एसीटोन का अणु बाहर निकलता है, ठीक है। इस क्यूमीन पर ऑक्साइड से हमें क्या मिलेगा, फिनोल मिलेगा, लेकिन ये फिनोल भिन्नता कैसे है, इसमें क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है आपका, कार्बन टू ऑक्सीजन ट्रांसफर होता है, ठीक है, और एक क्या होता है, एसीटोन का अणु बाहर निकल जाता है और बनता क्या है, फिनोल। एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन होती है H2O की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। अब रीअरेंजमेंट हुआ कैसे, कि ये जो आपका परऑक्साइड है, इस परऑक्साइड के अंदर क्या होता है, ये जो दोनों ऑक्सीजन है इसका बीच का बंध टूटता है, इसके इलेक्ट्रॉन आते हैं किसके ऊपर, इस C और O के बीच में, यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, ठीक है। ये क्या करता है, ये कार्बन अपना ये बॉन्ड ब्रेक करता है, इसके इलेक्ट्रॉन लेके आता है इसके ऊपर, ठीक है। तो इससे इधर से क्या होता है, इधर से आपका ये OH जो है ये आके जुड़ जाता है किसके साथ, इस कार्बन के साथ, या फिर हम उल्टा लिख सकते हैं इसको, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो OH है यानी ये वाला जो ऑक्सीजन है ये किसके साथ जुड़ता है, इस वाले कार्बन के साथ, ठीक है। ये कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटता है, इसके इलेक्ट्रॉन जाते हैं कहां पर, इन दोनों के बीच में, ठीक है। और ये जो बंध है इस ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का, ये भी कहां पे जाता है, इस ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, रीअरेंज होकर एसीटोन का अणु बाहर निकलेगा, ये CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ये एसीटोन का अणु बाहर निकल गया, ठीक है। और ये जो OH है ये कहां पे आके जुड़ गया, इस बेंजीन रिंग के साथ आकर जुड़ गया, तो ये आपका क्या बन गया, फिनोल, एक एसीटोन का अणु आपका बाहर निकल गया। यानी हम क्यूमीन से जब भी फिनोल बनाते हैं तो उससे क्या होता है, एक एसीटोन का अणु बाहर निकलता है, ठीक है। यानी क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड जो होता है उससे क्या होता है, एक एसीटोन का अणु बाहर निकल जाता है और हमारा क्या बन जाता है, फिनोल बन जाता है। ये हमारा नेक्स्ट मेथड है क्या बनाने का, फिनोल बनाने का। इसके अलावा हम और भी मेथड यूज कर सकते हैं, जैसे कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से बना सकते हैं, ठीक है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कैसे बनाएंगे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का भी हम इसकी तरह ही, जैसे आपने ये जो क्यूमीन है, क्यूमीन का क्या करवा दिया, क्यूमीन का हमने, क्यूमीन का हमने क्या करवा दिया, यहां पर ऑक्सीडेशन करवाया, ठीक है। उसी तरह हम क्या करते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का भी क्या करवा देते हैं, ऑक्सीडेशन करवा देते हैं, ठीक है। तो उससे भी हम क्या कर सकते हैं, हमारा फिनोल बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, ये देखो कि सबसे पहले हमने क्या किया,
हमारा ग्रीन यार्ड अभिकर्मक लिया, तो ग्रीन यार्ड अभिकर्मक होता क्या है, आर एम जी एक्स होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आर की जगह क्या ले रहे हैं, हमारा बेंजीन या बेंजिल ले रहे हैं, ठीक है। बेंजिल क्या होता है कि ये आपका ग्रुप और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, एम जी बी आर मान लो, ठीक है, बी आर ले लो। तो ये हमारा क्या है, ग्रीन यार्ड अभिकर्मक है। अब इस ग्रीन यार्ड अभिकर्मक की रिएक्शन अगर हमें करवानी है और फिनोल बनाना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो इसका भी क्या बनेगा, पर एसिड बनेगा, ठीक है। इससे क्या बनेगा, पर एसिड बनेगा, ठीक। अब ये जो पर एसिड है इसकी एक और ग्रीन यार्ड अभिकर्मक से रिएक्शन करवाते हैं, इसकी एक और ग्रीन यार्ड अभिकर्मक से रिएक्शन करवाते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, दो ऑक्सी कंपाउंड बनते हैं इसके, ठीक है। इससे क्या होता है, इसके दो ऑक्सी कंपाउंड मिलते हैं। कैसे मिलता है कि आर एम जी एक्स जो है वो कैसे जुड़ता है, आर एम जी एक्स कैसे जुड़ता है, आर जो है, आर वाला जो पोर्शन होता है उसके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और इसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ पे क्या होता है, एक इसके ऊपर आके जुड़ेगा, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर आके जुड़ेगा। तो ये इस ऑक्सीजन के ऊपर आके ना जुड़ने की बजाय इसके ऊपर आकर जुड़ेगा, एम जी वी आर वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये हमारे दो कंपाउंड मिलते हैं इसके अंदर। अब क्या है, लास्ट स्टेप क्या है कि हम इसका क्या करवा दें, जल अपघटन करवा दें, ठीक है। इसका क्या करवा दें, जल अपघटन करवा दें, तो हमारे पास क्या मिल जाएंगे, दो फिनोल के अणु मिल जाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, दो फिनोल के अणु मिल जाएंगे। ये आपकी नेक्स्ट रिएक्शन हुई, क्या कि हमने क्या कर दिया, ये जो ग्रीन यार्ड अभिकर्मक है इसी से हमने क्या बना दिया, फिनोल बना दिया, ठीक है। और हमारे पास दो अणु किसके मिलेंगे, ये जो बाकी बचा हुआ जो Mg, इसके साथ दो हाइड्रोक्सी समूह जुड़े हुए हैं और दो ब्रोमीन समूह जुड़े हुए हैं, ये हमारा क्या बन गया, फिनोल बन गया, ठीक है। अच्छा, बाकी जो फिनोल बनाने की विधियां ये इतनी ही पढ़ेंगे हम, ठीक है। बाकी जो है फिनोल की फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है।